अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है ठीक ठाक। मैं आपका दोस्त मंजूर अली, ठीक है। आज हम आपके पास सप्लाई ले आए हैं, सप्लाई का वीडियो, सप्लाई कैसे चलती है। ये हमारी सप्लाई है, इसे हम 6 वोल्ट भी कर सकते हैं, 9 वोल्ट भी कर सकते हैं, 12 वोल्ट भी कर सकते हैं, 15 वोल्ट भी, डीसी भी कर सकते हैं, एसी भी कर सकते हैं। इससे मोबाइल चेक भी कर सकते हैं, मोबाइल ऑन भी कर सकते हैं, कैसे ऑन होती है, सारे इसके फंक्शन हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, ये हो गया ऑन। इसका ये वाला बटन ये होता है, ऊपर करेंगे तो ये आएगा डीसी पे। अब डीसी पे देखो, ये इसका गोल घूमने वाला है। अब ये देखो 14 वोल्टेज, ठीक है, 13 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, जो आजकल 12 डीसी लाइटें आती हैं वो, ठीक है। उसके बाद 9 वोल्टेज से 6 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, ये सारी वोल्टेज के जितने वोल्टेज आप यहाँ रखोगे उतनी लाइट वगैरह चेक कर पाओगे कि लाइट सही है या नहीं, डायरेक्ट सप्लाई से। इसको हम कहते हैं सप्लाई, ठीक है। अच्छा, इसकी दो कनेक्शन आती है, यहाँ से यहाँ से, ये है प्लस, ये है माइनस, लिखा भी हुआ है ये प्लस और ये माइनस। अब हमने इसे क्या कर किया है, इसे दोनों अंदर से इसे जोड़ की हुई है ताकि ये आराम से हमारा बार बार निकले यहाँ से नहीं। अच्छा, डीसी तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एसी ये है, ठीक है। इससे क्या करते हैं, चार्ज करना हो, कितने वोल्टेज पे चार्ज होता है, ये डेड बैटरी को कैसे चार्ज करें, मोबाइल की कम से कम इसको 5.0 पर रखना है, ठीक है। डेड से डेड, मरी से मरी बैटरी आपकी चार्ज करेगा, ठीक है। ये सप्लाई उठा देगा उसको चार्ज करके, चार्ज कैसे करता है, ठीक है। 10-15 मिनट रखेंगे, आपको माइनस प्लस का ख्याल रखना है आपने, ये चार्ज करेगा आपको, छोड़ दे, लगा के छोड़ दें, खुद ब खुद चार्ज करेगा। तो इसी की ये खसूसी है, ये बहुत अच्छी सी है, इतनी महंगी नहीं है, 2,000-2,500 की डीसी, एसी डीसी दोनों ज़्यादातर मोबाइल में यूज़ करते हैं मोबाइल वाले, और दूसरे जो होते हैं डीसी जो लाइट वगैरह बनाते हैं वो लाइट में इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटिक है, 2-in-1 है, तो ये आपके बहुत काम आने वाली छोटी सी चीज़ है, छोटी सी मशीन है। ये इसका वोल्टेज ये बताती है कि कितने हैं कितना नहीं है, तो ये सारा सिस्टम है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम एक बैटरी आपको दिखाते हैं, ये टेक्नो की बैटरी है, ठीक है। इसकी ये तारें हम दोनों निकालते हैं, इसकी माइनस प्लस, अब इसमें पता चलेगा कि माइनस कौन सा है प्लस कौन सा है। मिसाल के तौर पर हम प्लस यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, ये प्लस लगा रहे हैं। अगर ये सही होगा तो आवाज़ नहीं करेगी, अगर गलत लगा होगा तो आवाज़ करेंगे। ये देखो, ये कांटा यहाँ पे चल रहा है, जब हम इसको लगाएंगे कांटा मतलब ये सही नहीं लगी, तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे, प्लस यहाँ लगाएंगे और माइनस यहाँ लगाएंगे। अब देखो ये चार्ज हो रही है, देखो चार्ज हो रही है, आपको ये सही दिखाएगी। चार्ज कर, ज़्यादा चार्ज करना चाहते हो इसको, जल्दी उठाना चाहते हो तो कम से कम 5.0 पे इसको रखोगे, ठीक है। अब ये देखो, ये इसकी सुई यहाँ तक पहुँची, देखो मतलब ये इसको फास्ट चार्ज कर रही है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, हम डायरेक्ट बैटरियाँ जो होती हैं मोबाइल वाले, अक्सर मोबाइल वाले क्या करते हैं, मोबाइल बंद हो जाता है, डेड मोबाइल हो जाता है, बैटरी चार्ज नहीं होती कि बैटरी डेड हो जाती है, बैटरी को इस तरीके से उठाते हैं, जो ख़त्म बैटरी को भी इससे उठाते हैं। ये देखिए, जैसे लगाएंगे ये देखो कांटा ऊपर भाग रहा है, ये हमारी बैटरी चार्ज कर रहा है। 10-15 मिनट लगाओगे आपकी चार्ज फुल कर देगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।